सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोएडा रियल्टी। मेजरली हमने जो प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं वो नोएडा एक्सटेंशन के रहे हैं। दिस टाइम वी आर कवरिंग अ रेसिडेंशियल सोसाइटी इन ग्रेटर नोएडा। प्रोजेक्ट की बात करें तो दिस इज मिक्सन अल्टिमो। प्रोजेक्ट लोकेशन की बात करें तो दिस इज इन ओमिक्रॉन 3 ग्रेटर नोएडा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये 130 मीटर रोड पे ही प्लेस्ड है। लोकेशन एडवांटेज की बात करें तो आपको नियर बाय स्कूल्स, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी मिल जाती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिस लाइज नियर बाय परी चौक, तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी अगर आप देखेंगे तो रीजनेबल डिस्टेंस पे लोकेटेड है। करंट जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज द कमर्शियल ऑफ द प्रोजेक्ट। प्राइस डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। एंड दिस इज द एंट्री ऑफ द प्रोजेक्ट। पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो ग्राउंड फ्लोर पे देयर वुड बी नो व्हीकुलर मूवमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द पोडियम ऑफ द प्रोजेक्ट। और सेंट्रल ग्रीन एरिया की बात करें तो जो पोडियम सेंट्रल ग्रीन एरिया है, दिस इज 2.1 एकर्स। प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करें तो 6 एकड़ में बना ये प्रोजेक्ट है, 7 टावर हैं इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो दैट इज 975। मिक्सन अल्टिमो में आपको 2, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट की बात करें तो दिस इज रेडी टू मूव इन नेचर, और नियर बाय पोजेशन अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। जैसा कि अब हम नोएडा एक्सटेंशन में देख रहे हैं, आपको 2 BHK अपार्टमेंट कहीं ना कहीं 50 लाख से ऊपर कॉस्ट करता है। तो अगर सेम सर्कमस्टेंसेज में हम 35 लाख के अराउंड 2 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं तो मिक्सन अल्टिमो कैन बी एन ऑप्टिमम चॉइस। सो करंट जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज योर टावर एंट्री। तो आज जो वेरिएंट हम विजिट करने वाले हैं, दैट इज 3 BHK का वेरिएंट है। ये 1595 स्क्वायर फीट में डिजाइंड है। प्राइस डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। जब आप एंटर करते हैं तो दिस इज हाउ योर टावर लेफ्ट लॉबी लुक्स लाइक। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अपार्टमेंट, 3 BHK का वेरिएंट है ये, 1595 स्क्वायर फीट में डिजाइंड है। सो एंटर करते ही आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है। दिस इज 10.5 by 16.4। अपार्ट फ्रॉम द सेम, दिस इज योर डाइनिंग एरिया जिसका डायमेंशन 10.4 by 9 अप्रॉक्स है। अगर हम ड्राइंग डाइनिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको एक एल शेप ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। सो दिस इज योर कॉमन वॉशरूम एरिया, 5 by 7 का डायमेंशन है इसका। मिक्सन अल्टिमो विजिट करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द थर्ड बेडरूम, 10 by 10.5 का डायमेंशन है इसका। जो बैल्कनी आप इस बेडरूम से देख रहे हैं, दिस इज अ रनिंग बैल्कनी जो आपके थर्ड बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग एरिया को कनेक्ट करती है। डायमेंशन की बात करें तो 26.8 by 6 का डायमेंशन है इसका। आप इसको यूटिलिटी स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। So, जैसा कि हमने आपको ये बैल्कनी एरिया पहले थर्ड बेडरूम से दिखाया था, दिस इज द एक्सेस फ्रॉम द ड्राइंग एरिया एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम योर बैल्कनी। तो इनकेस आप एक अफोर्डेबल 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं तो मिक्सन अल्टिमो को आप कंसिडर कर सकते हैं। So now moving towards the most important part of an apartment, this is your kitchen area, 10 by 6.8 का dimension है इसका। U-shape open kitchen आपको मिल जाती है यहाँ पे।
मूविंग टुवर्ड्स द स्टडी रूम, 7x7 के डायमेंशन का स्टडी रूम आपको मिल जाता है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, 10x11 का डायमेंशन है आपके मास्टर बेडरूम का। एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम जिसका डायमेंशन 7x5 का है। जो वेरिएंट हम देख रहे हैं, दिस इज योर 3BHK प्लस स्टडी वेरिएंट। प्राइस रेंज की बात करें तो दिस स्टार्ट 70 लाख रुपीस। अगर आप नोएडा के नियर बाय एक स्पेशियस 3BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं, दैट टू इन कॉस्ट इफेक्टिव रेंज, तो दिस कैन बी अ वायबल ऑप्शन। दिस इज योर बेडरूम, इसके डायमेंशन की बात करें तो 10x11 का डायमेंशन है इसका भी। दिस डज हैव अ कनेक्टेड वॉशरूम एंड द बालकनी एरिया। वॉशरूम के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 7x7। और बालकनी के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 6x84 अप्रोक्स। एक मेजर एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो जो भी बालकनी आपकी है, दैट इज मिनिमम 6 फीट वाइड, तो आपको एक इफेक्टिव सिटिंग स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। सो वी होप आपको हमारा आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। इन केस आप मिक्सन अल्टिमो से रिलेटेड कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं या आप साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी सेम, आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वील बी कनेक्टिंग यू बैक। सो अगर आपको आज का हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। वील ब्रिंग यू मोर सच कंटेंट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।